The variation of a velocity, the velocity of a particle moving along a straight line is shown in the following figure. The distance traveled by the particle in 12 seconds is. देखिए distance traveled पूछा है ना, क्या पूछा है? Distance traveled. तो distance traveled कितना क्या होगा? Total area under VT graph है ना, area under VT graph, right? ये होगा. तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या है कि हमें सबसे पहले किसका एरिया निकालना है, इसका एरिया निकाल लेते हैं. अब यहाँ पे हाइट कितना दिया हुआ है, देखिए आप ग्राफ में यहाँ पे हाइट दिया गया है 5 और नीचे पहला हाइट कितना दिया गया है -2.5 और ये 5, ठीक है. अब हमें अगर पहले ट्राइंगल का, अगर मुझे इस ट्राइंगल का एरिया चाहिए तो मैं क्या करूँगा, एरिया के लिए इक्वल टू हाफ इंटू बेस. बेस कितना है, 2 है ना, 0 से 2 2. हाइट कितना है, 5 है, तो ये इससे कटेगा और ये बन जाएगा 10, ठीक है. नेक्स्ट नेक्स्ट एरिया हम निकालेंगे किसका, इस वाले पोर्शन का, ठीक है. आप देखिए ध्यान से, हमें इस वाले पोर्शन का एरिया चाहिए. तो इसका हाइट कितना है, 5, और लेंथ कितना है, 6 माइनस 2 4 है. तो यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू 5, ये हो जाता है 20, ठीक है. आगे देखिए इस वाले ट्राइंगल का, इस वाले ट्राइंगल का जो बेस है 10 माइनस 6 कितना है, 4 है, और हाइट कितना है, 5. तो हमारा जो एरिया है वो कितना हो जाएगा, 1/2 × 4 × 5. तो ये 2 टाइम्स जाएगा और ये बन जाएगा 10, राइट. अब देखिए नीचे की तरफ, ये वाला जो ट्राइंगल है इसका हमें निकालना पड़ेगा एरिया. तो नेक्स्ट हमारा एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 × बेस × हाइट. तो बेस कितना है हमारा, यहाँ 12 है और ये 10 है, तो ये 2 हो जाएगा. 2 × हाइट कितना है, देखिए हाइट नीचे देखिए यहाँ पे 2.5 है, माइनस मत लिख दीजिएगा, हाइट माइनस में नहीं हो सकता है, तो ये 2.5. तो हमारा ये हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और ये 2.5 आ जाएगा. तो हमें पूछा यहीं तक गया था कि 12 सेकंड तक हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा. तो सारे का सारा हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, 5 + 20 = 25, 25 + 10 = 35, 35 + 2.5 = 37.5 मीटर. तो हमारे कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए. सो ऑप्शन ए इज़ आवर राइट आंसर.